क्या ब्लॉकेज के बाद जब अटैक आए और हार्ट का पावर कम हो जाए तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ब्लॉकेज के नीचे जहाँ हार्ट कमज़ोर हुआ वहाँ अभी भी ब्लड नहीं पहुँच रहा है। उसी के कारण 2D इको रिपोर्ट्स में आपका हार्ट का पावर कम आएगा और उसके नीचे वो भी लिखा हुआ होगा कि कौन से एरिया में आपको ब्लड नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही सोच के साथ चेतनाबेन उपाध्याय जो मांडवी से है, एंजियोग्राफी की और एक राइट नली में 100 बंद आया और हार्ट का पावर था 45। डॉक्टर ने बोला 100 के नीचे ब्लड नहीं जा रहा है, उसी के कारण आपका हार्ट का पावर लो है। सो हमारे पास आए हाउ टू इंक्रीज हार्ट पावर, तो उन्होंने चूज किया ईईसीपी फॉर 35 आवर्स ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के बाद उनका हार्ट का पावर आया 55 to 60, मतलब नॉर्मल। सो उसका मतलब ये है कि उनकी जो 100 नली बंद थी उसके नीचे ईईसीपी ट्रीटमेंट ने नेचुरली बाईपास चालू किया और आज पेशेंट स्वस्थ है और विदाउट सिम्टम अपनी लाइफ जी रहा है। सो हम जानते हैं उसकी जुबानी उसका रिव्यू। ચેતનાબેન સંજયભાઈ ઉપાધ્યાય છે, હું માંડવીમાં રહું છું. મને 1.5 મહિના પહેલાં છાતીમાં દુખાવો થયો હતો તો અમે હાર્ટના ડૉક્ટરને બતાવવા ગયેલા. ડૉક્ટરે અમને એન્જિયોગ્રાફી કરાવવાનું કીધું. અમે એન્જિયોગ્રાફી કરાવી. ડૉક્ટરે 8 નળી બ્લોક છે એવી વાત કરી અને પછી અમને બાયપાસ સર્જરી કરવાનું કહ્યું, પરંતુ અમે બાયપાસ સર્જરી નથી કરાવી. અને અમને સરળ હાર્ટ સેન્ટરની ખબર પડી એટલે અમે ત્યાં સરળ હાર્ટ સેન્ટરમાં ઈસીપી કરાવવા માટે ગયા. 38 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ લીધી, તેમાં મને ફિઝિયો, યોગા અને આ ટ્રીટમેન્ટ બાદ ઘણું સારું લાગે છે. મારું હાર્ટ 45 થી 55% કામ કરતું થઈ ગયું છે. હવે મને ઘણું જ સારું છે.